नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम का चैप्टर नंबर 19। और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का यूज़ किस तरीके से टेली प्राइम में कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये आप टेली प्राइम का अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका कम्प्लीट कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इसका जो सर्टिफिकेट है वह आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना के रखी है जिसका नाम है कंप्यूटर शॉप, ठीक है। और इस कंपनी के अंदर मैंने पहले से ही कुछ स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करके रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, मैं ऑल्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे स्टॉक आइटम देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, क्योंकि हमारी जो कंपनी का नाम है वह क्या है, कंप्यूटर शॉप। ओके, सो जो ये मैंने स्टॉक आइटम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, इन तीनों के अंदर मैंने जो क्वांटिटी है, ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी, उसे मैंने यहाँ पे 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे इसको बनाते वक्त यहाँ पे 0 रखेंगे क्वांटिटी को, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लेजर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट करने, आप चाहें तो डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से एक एक करके पहले लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे पहले ही लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, देन उसके बाद डायरेक्ट हम एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लेजर बनाऊँगा कैपिटल अकाउंट का। सो मैंने यहाँ पे राइट किया कैपिटल अकाउंट, और ये किस में जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस कंपनी के अंदर सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ सामान परचेज करूँगा, देन उसके बाद उस सामान को सेल करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे को अगर सामान परचेज करना है तो मेरे को तो पैसे की ज़रूरत है, हमें कंपनी में कैपिटल लगाने की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है वह बनाया है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, परचेज़ और सेल। तो परचेज़ सेल करने के लिए आपको पहले परचेज़ का भी लेजर बनाना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बना लिया परचेज़ अकाउंट, ठीक है। और ये किस में जाएगा, आपका ये भी जाएगा आपका परचेज़ अकाउंट के अंदर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर परचेज़ अकाउंट को परचेज़ अकाउंट के अंदर डाल दिया है। ओके, देन इसके बाद हमें बनाना है यहाँ पे सेल अकाउंट का लेजर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया सेल अकाउंट, और ये किस में जाएगा, आपका सेल्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। सो मैंने इसे यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर रख लिया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रेडिटर का लेजर बनाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, सामान परचेज करना है, सामान खरीदना है। तो आप किससे खरीदेंगे, किसी न किसी क्रेडिटर से तो आप खरीदेंगे। तो मैं यहाँ पे राम बना देता हूँ, इसके आगे सीआर लिख दूंगा ताकि मेरे को पता चल सके कि राम जो है हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर इस राम को डाल दूंगा, और यहाँ पे देख रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को मैं यहाँ पे यस रखूँगा, ठीक है। तो आप भी इसे यस कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप चाहें तो राम की जो डिटेल्स वगैरह हैं, उसका एड्रेस और यहाँ पे उसका नाम वगैरह सही तरीके से आप यहाँ पे पिन कोड वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह सही से यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आप जरूर एड्रेस वगैरह जो डिटेल है उसको फिल आउट करिएगा, ठीक है। सो देखिए, हमने यहाँ पर राम का एक लेजर बना लिया। हम एक और लेजर बना लेते हैं यहाँ पर, जिसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ गौतम, और इसे भी मैं क्रेडिटर ही बनाऊँगा, क्योंकि हम इससे भी कुछ ना कुछ सामान परचेज करेंगे। तो इसे भी मैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल देख रहे हैं ये वाला आप, इसको मैं यहाँ पे यस रखूँगा। ओके, और सिंपली आप इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 2 क्रेडिटर्स को बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, 1 या 2 डेटर्स को बना लीजिए, क्योंकि आप सामान फिर किसी को सेल करेंगे तो वो कौन होंगे, वह आपके सन्ड्री डेटर्स होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वंश के नाम से एक हमारा डेटर है, तो मैंने वंश के आगे DR लिख दिया ताकि मुझे पता चल सके कि ये हमारा डेटर है, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स के अंदर, और इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे, ठीक है। सो सिंपली मैं अब इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक और लेजर बना लूँगा मैं करण के नाम से, और ये भी हमारा कौन होगा, डेटर होगा, और इसे भी मैं सन्ड्री डेटर में डालूँगा, और यहाँ पर देख रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको मैं यहाँ पर यस रखूँगा, ठीक है, और इसे भी मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए, हमने यहाँ पे कौन कौन से लेजर बना लिए हैं, देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ऑल्टर में, और यहाँ पे
लेजर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कौन कौन से लेजर बनाए, कैपिटल अकाउंट बनाया है, गौतम अकाउंट क्रेडिटर बनाया है, एक करण नाम का डेटर बनाया है, और उसके बाद परचेज अकाउंट बनाया हमने, एक राम के नाम से क्रेडिटर बनाया है, और एक सेल और एक वंश नाम से डेटर बनाया है। ठीक है, बाकी अगर कुछ लेजर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे एंट्रीज के अंदर तो उसे हम शॉर्टकट की से ही क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेन लेजर्स थे वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, सो चलिए अब आइए आप यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, और सबसे पहले आप यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप अभी अपना कैश देखेंगे ना तो आपको कैश जीरो दिखाई देगा। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने कैश बैलेंस किस तरीके से देखना बताया था, डिस्प्ले के अंदर, और फिर उसके बाद आपको जाना होता था अकाउंट्स बुक के अंदर, और फिर उसके बाद आपको दिखता था कैश बैंक बुक। तो देख लीजिए अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैश मौजूद नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश लगाते हैं पहले, मतलब कैपिटल लगाते हैं। ओके, तो वाउचर्स में आ जाइए और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की एंट्री करिए। किस में जाएगी, रिसिप्ट में जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, क्रेडिटर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50,000 रुपीज़ से इस बिज़नेस को स्टार्ट करता हूँ कैपिटल लगा के। ठीक है, सो मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया और कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000। ठीक है, एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैश अमाउंट है वह कितना हो गया होगा, 50,000 वो हो गया होगा। अब आप देखेंगे कैसे, तो देखिए अभी आपने दो तरीके सीख लिए हैं कैश अमाउंट देखने के। ठीक है, कैश का अंदर कितने अमाउंट है वह देखने के आपने दो तरीके सीख लिए। एक तो पहला आपने गोटू पे जाके सीख लिया, आप यहाँ से देख सकते हैं कैश एंड बैंक बुक पे क्लिक करके। ठीक है, और दूसरा आप डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जा कर के यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड है जहाँ से आप कैश बैंक बुक देख सकते हैं। तो सिंपल सा बड़ा मेथड है आपका, सिंपली आपको कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली प्लस माइनस इस तरीके से देखिए आप कर सकते हैं। देखिए मैंने 56 प्लस 6 लिखा तो यहाँ पे 62 आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर के साथ साथ आपको अकाउंट का अमाउंट बताने में भी मदद करता है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे ना ऐसे कैश और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको अमाउंट बता देगा कि कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वह कितना है। तो देखिए हमारे पास कैश कितना है अभी, 50,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट शो हो रहा है, डेबिट का मतलब आपके पास इतना है, और अगर क्रेडिट में होगा तो होता ये तो क्या होता, ये आपका माइनस में होता। ठीक है, तो अभी डेबिट में है तो ये आपका 50,000 आपके पास पड़ा हुआ है कैश। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, सो अब आपने तीन मेथड सीख लिए हैं कैश का बैलेंस चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप कैश का ही नहीं बल्कि और भी किसी दूसरे अकाउंट का भी बैलेंस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, बस आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है और एंटर करना है। तो चलिए अब आप तो ये सीख गए हैं, तो आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एन से ही इसे वापस से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एन से क्लोज कर लिया है और मैंने आपको दिखा दिया कि कैश जो है अब हमारे पास 50,000 रुपीज़ का हमारी कंपनी में मौजूद है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ सामान परचेज करना है। तो वाउचर्स में आ जाइए और F9 प्रेस करिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ सामान परचेज कर रहा हूँ उधार में, मैं अभी कैश में सामान नहीं खरीदूँगा, उधार में खरीदूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, और डेट डाल दीजिएगा, 1 अप्रैल की मैंने डाल दी है। पार्टी अकाउंट नेम, सो मैं यहाँ पे गौतम को अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे गौतम से कुछ सामान परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये पार्टी अकाउंट डिटेल डाल दीजिएगा। देन उसके बाद देखिए आपसे परचेज लेजर पूछेगा, तो परचेज का लेजर मैंने दिया और मैं इससे क्या क्या सामान परचेज कर रहा हूँ वो देखिए। तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे कीबोर्ड इनसे परचेज कर रहा हूँ 50 पीसेज, जिसका रेट है 200। ओके, तो यहाँ पे 10,000 का अमाउंट हो गया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इनसे माउस परचेज कर रहा हूँ गौतम से 50 पीसेज 120 के। ठीक है, तो मैंने इनसे क्या क्या परचेज कर लिया गौतम से, कीबोर्ड खरीद लिया इससे और माउस खरीद लिया। ठीक है, सिंपली मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ देखिए आप जैसे ही अपनी एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें क्या लिखा होगा, बिल वाइज डिटेल। ठीक है, बिल वाइज डिटेल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके इस बिल की डिटेल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पे आप सिंपली न्यू रेफरेंस लेंगे। न्यू रेफरेंस का मतलब ये है कि अभी जो बिल बना है ये एक नया परचेज का बिल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे न्यू रेफरेंस में ही रखेंगे। ठीक है, या नेम के अंदर आप इस बिल का कुछ भी नाम दे सकते हैं या फिर इनवॉइस नंबर जो है उसे ही रहने दे, वह बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या डालना है। सो आपको यहाँ पे डे डालने हैं,
जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आपने क्या किया, गौतम से सामान खरीदा है उधार में, ठीक है। तो यहाँ पे गौतम आपसे ये पूछ रहा है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप उसके जो पैसे हैं इस बिल के, वह कितने दिनों के बाद देंगे। तो वही दिन आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं जो ये बिल यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इस बिल के पैसे 10 दिन के बाद देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 लिख के एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक डेट आ जाएगी 11 अप्रैल की, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि जो मैंने बिल यहाँ पे परचेज़ किया है, मतलब सामान परचेज़ किया है, तो इस बिल का जो पैसा है वह मैं कब तक दे सकता हूँ, 11 अप्रैल 2021 तक। देखने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, मतलब इसकी ड्यू डेट, इस बिल की ड्यू डेट यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं कि जो हमने उधार में सामान खरीदा है इसकी पेमेंट हम किस दिन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। आप चाहें तो 10 दिन के अंदर अंदर भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 11 अप्रैल तक भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो वही आपने यहाँ पे इसे सेट किया है, ठीक है। सिंपली अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे आपका 60,000 का, जो मेन अमाउंट होगा, ठीक है। बस आपको सिंपली एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो इतना ही आपको करना था परचेज में, ठीक है। चलिए अब दूसरे से भी हम परचेज़ कर लेते हैं, या फिर एक और परचेज़ करिए चाहे इससे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 102 के नाम से एक और इनवॉइस नंबर डाला, और ये परचेज़ मैं 2 अप्रैल को करता हूँ, ठीक है। तो मैं F2 से पहले डेट चेंज कर लूँगा, और यहाँ पे भी जो डेट है मैं 2 अप्रैल की डाल लेता हूँ, ठीक है। अब पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है, मैं गौतम ही यहाँ पे जरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसे जरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और यहाँ डिटेल डाल दीजिएगा गौतम की, अगर एड्रेस वगैरह डालना चाहे तो, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब देखिए परचेज मैंने यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉनिटर इससे परचेज कर लेता हूँ 50 पीसेज, ओके। और मॉनिटर का जो प्राइस है यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का है, ठीक है। ओके, ज़्यादा हो गया यहाँ पे जो प्राइस, देखिए 2.5 लाख हो गया, और हमारे पास तो कैपिटल कमी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 पीसेस कर लेता हूँ, और ये 5,000 की जगह मैं यहाँ पे थोड़े कम अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे 3,000 रुपीज़ डाल देता हूँ एक मॉनिटर का। तो 30,000 रुपीज़ का अमाउंट मेरे पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सिंपली मैं इसे अब एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखिए वापस से आ गया बिल वाइज डिटेल आपके पास। तो यहाँ क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे अपने बिल का नाम, मतलब ये नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे 102 डाला हुआ है। इस बिल की आप पेमेंट कब करेंगे, मतलब कितने दिनों के बाद करेंगे, उतने दिन आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं कहता हूँ मैं इसकी जो पेमेंट है 7 दिन के अंदर अंदर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 डाल दूंगा, और बस सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सामान खरीद लिया है, ठीक है, किससे, गौतम से। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपने गौतम से सामान खरीदा है उसको अब आपको पेमेंट करना है, क्योंकि जो आपने सामान खरीदा है वह तो उधार में खरीदा है, ठीक है। तो आप पेमेंट कैसे करेंगे जरा उसको देखिए, और ये जानिए यहाँ पे आपको अब गौतम को कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि देखिए आपने क्या किया था, गौतम से 2 परचेज़ करी थी, ठीक है। अब उन दोनों बिल का क्या अमाउंट था, कितने रुपये उसे आपको देने हैं, तो वो आप कैसे चेक करेंगे जरा उसे बहुत ध्यान समझिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इसमें जाना है, और यहाँ पे अकाउंट बुक आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको एक लेजर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस लेजर को ओपन करिएगा, ठीक है, और इस लेजर के अंदर आप देखिए जो गौतम है ना, ये रहा आपका, देखिए ये रहा गौतम। तो सिंपली आपको इसका लेजर ओपन करना है, तो आप ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या शो करेगा, सो यहाँ पे आपको गौतम से रिलेटेड सभी की सभी ट्रांजैक्शन शो होगी, कि आपने गौतम को कितना सामान परचेज़ किया, कितना सेल किया, या फिर आपने उसको कितने पैसे दिए, या फिर आपने उससे कितने पैसे लिए, मतलब गौतम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आपको इस लेजर में दिख जाएगी, गौतम के लेजर में, ठीक है। समझ लीजिए क्या है लेजर, ये गौतम का खाता है, कि गौतम से आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन की है, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे आपने गौतम से 2 परचेज़ किया, पहला 16,000 का, दूसरा 30,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है 46,000 रुपीज़ अभी आपको पे करने हैं। अब ये हमें कैसे पता कि 46,000 रुपीज़ हमें गौतम को पे करने हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट आ रहा है वह किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर यही अमाउंट हमारा डेबिट साइड आता तो इसका मतलब होता कि हमें गौतम से पैसे इतने लेने हैं, ठीक है। और हमेशा आप इसे देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस जो देख रहे हैं ना, इसको आप देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ देखिए नीचे, ठीक है। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में देखिए 46,000 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको पेमेंट कर देते हैं इन दोनों बिल के रिगार्डिंग में। देख लो, एक बिल आपका 16,000 और दूसरा 30,000 का है, ठीक है। चलिए अब इसे पेमेंट करते हैं, स्किप करके बैक आइए और यहाँ आ जाइए आप वाउचर्स के अंदर, और इसे पेमेंट करिए। कैसे करेंगे पेमेंट, F5 वाउचर में, ठीक है। किसे पेमेंट करना है, आप उसे डेबिट में डाल लीजिए पहले, तो
हम कर रहे हैं यहाँ पे पेमेंट गौतम को। अब जो है यहाँ पे देखिए, जब आप गौतम को यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने गौतम का लेजर सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे गौतम का करंट बैलेंस भी यहाँ पे शो कर रहा है 46,000 क्रेडिट। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका अमाउंट देख सकते हैं कि आपको गौतम को कितने पैसे देने हैं और गौतम से कितने पैसे आपको लेने हैं। तो फिलहाल मेरे पास देखो कितने रुपये पड़े हैं इस टैली में, 50,000 रुपये का कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको पूरे पैसे अभी नहीं देंगे। ठीक है, होता है ना कि हम बोलते हैं पार्टी को कि जैसे कि आपका 46,000 रुपीज़ का हमने सामान परचेज़ किया है, तो आप ऐसा करो 40,000 रुपये ले लो, 6,000 रुपये आप बाद में ले लेना। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे गौतम को पे कर रहा हूँ 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ मैंने 40,000 राइट किया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि जो ये आपने 40,000 रुपीज़ दे रहे हैं वे किस बिल के रिगार्डिंग दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये बिल वाइज डिटेल है ना आपका, यहाँ पे फिर से ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस नहीं, यहाँ पे अब आपको एडजस्ट रेफरेंस करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बिल एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये अमाउंट मैंने डाला है ना 40,000 रुपीज़, तो इस अमाउंट को अपने बिल्स में एडजस्ट करूँगा। तो उस केस में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या, एडजस्ट रेफरेंस। ओके, बाय द वे पहले से ये सेलेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सिंपली एंटर करना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे बिल शो करेगा इस नेम वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है जो आप ये 40,000 रुपये दे रहे हैं किस बिल के रिगार्डिंग दे रहे हैं, क्या 101 नंबर वाला जो बिल है 16,000 वाला इसके रिगार्डिंग दे रहे हैं, या फिर जो 30,000 वाला बिल है इसके रिगार्डिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो ये आपका 30,000 वाला बिल है एक तो इसके रिगार्डिंग मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 30,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन मैं तो 40,000 रुपये दे रहा हूँ, तो यहाँ 30,000 आया। अब आप दोबारा एंटर करेंगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, सिंपली नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट रेफरेंस फिर से करूँगा और यहाँ पे मैं दूसरा जो बिल है 101 वाला इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास 30,000 तो पहले वाले बिल में एडजस्ट हो गए और 10,000 जो बचेंगे वह इस बिल के एडजस्ट हो जाएंगे, और फिर इस बिल में बच जाएंगे कितने, 6,000। ठीक है, फिर आपका ना जो गौतम का जो क्रेडिट बैलेंस है वह कितना शो करेगा, 6,000 शो करेगा, क्योंकि मैंने इस बिल के रिगार्डिंग भी इसको पेमेंट कर दी है कितने की, 10,000 की। ठीक है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ एंटर। तो देखिए 30,000 यहाँ आया और 10,000 यहाँ आया। अब यहाँ पे 10,000 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 40,000 रुपीज़ ही पे करने की बात की थी। ठीक है ना, अब आप इसे एंटर करिए तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप इसे पेमेंट कर दीजिए, कैश में दे दें तो कैश यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो देखिए जब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी ना एक स्लिप निकलेगी। देखिए मैं दिखाता हूँ, सिंपली पेज अप करके इसका प्रिंट लीजिएगा। तो मैं कंट्रोल के साथ पी बटन दबाता हूँ और प्रीव्यू देख रहे हैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसे जूम करता हूँ। ठीक है, तो ये पेमेंट स्लिप आप देख रहे हैं, सिंपली आप इसे ले जा करके उसको दे देंगे। ठीक है ना, सो यहाँ देखिए इस पेमेंट के अंदर, इस पेमेंट स्लिप के अंदर यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जो मैं आपको 40,000 रुपये दे रहा हूँ वो किस बिल की रिगार्डिंग दी है। जो 102 नंबर वाला बिल है जिसकी कीमत 30,000 रुपये है वो बिल इसमें पूरा एग्जिस्ट हो चुका है, और जो 101 नंबर वाला बिल है उसके लिए मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये दिए हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो बिल बाय बिल मेथड है वह वर्क करता है। ठीक है, वह बताता है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वह किस बिल के रिगार्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर बिल बाय बिल नहीं होता हमारे पास तो क्या हम कहते सीधा गौतम को 40,000 रुपये दे देते हैं? फिर गौतम क्या होता, गौतम कंफ्यूज हो जाता और ये हमसे पूछता है कि जो आपने 40,000 रुपये दिए वो आपने मेरे को किस किस बिल के रिगार्डिंग दिए हैं, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो वो आपको बाद में बताना पड़ता उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया है कि आपने कितने रुपए किस बिल के रिगार्डिंग इसको दिए हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिल बाय जो बिल मेथड है वह आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो देखिए अब हमने सामान तो खरीद लिया है, अब हम चलिए कुछ सेल कर लेते हैं। ठीक है, सामान बेच लेते हैं। तो सामान सेल करने के लिए आप जो बैक आ जाइए और F8 बटन प्रेस करिए। ठीक है, अब मैं सामान क्यों सेल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सामान परचेज़ किया, तो अब मेरे पास सामान आ गया होगा तो अब हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सेल करता हूँ करण को। ये देखते हैं डेबिटर है हमारा, तो अभी हम जो भी सेल कर रहे हैं वह उधार की सेल है, कैश की सेल नहीं है। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया करण डेटर को। ठीक है, और इसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और यहाँ पे आप करण की डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखिए मैंने सेल अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा था लेजर में, तो यहाँ आ गया सेल का लेजर, आप यहाँ डाल लीजिए। अब देखिए क्या क्या पीस आपके पास, कितने पीस बचे हुए, देखो सब यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है। 50 पीस कीबोर्ड है, 10 पीस मॉनिटर है और 50 पीस आपके पास माउस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मॉनिटर को सेल करता हूँ और यहाँ पर
मैं मॉनिटर 5 पीस बेच रहा हूँ 5,000 रुपये के, ठीक है। मैंने 3,000 खरीदे थे तो 5,000 का तो मैं बेच ही सकता हूँ, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो कमाना है इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपली मैंने ये सेल कर दिया करण को। एक चीज़ और सेल कर देता हूँ, कीबोर्ड 10 पीस सेल कर देता हूँ। मैंने आई थिंक 200 का खरीदे थे, तो इसे मैं 500 का बेच देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ 30,000 का बिल बन गया इसके लिए, करण के लिए। एंटर करिए और ये देखिए यहाँ पे फिर से आ गया आपके पास न्यू रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नेम बिल का नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल नंबर 1 लिखा है ना, तो यहाँ पे आपका जो सेल का इनवॉइस नंबर है वह यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मैं आपको आगे की वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि जैसे यहाँ पे सेल का इनवॉइस नंबर सिर्फ 1 आया है, आप इसे खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आगे की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि करण इस जो आप ये बिल काट रहे हैं, इस बिल का पैसा आपको कितने दिन में देगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। चलिए मैंने बोल दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर ये आपको पैसा दे देगा, ठीक है। 10 डेज मैंने डाल दिया, सिंपली अब आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। एक बिल तो ये हो गया करण का, ठीक है। अब एक और बिल हम इसका बनाते हैं करण का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ करण के लेजर को, और यहाँ पे इस बार मैं माउस सेल करता हूँ करण को, ठीक है। और यहाँ पे जो माउस सेल कर रहा हूँ वो 10 पीस कर रहा हूँ 200 रुपये का, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे माउस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली मैं इसे एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। न्यू रेफरेंस आएगा, सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि न्यू बिल बन रहा है तो न्यू रेफरेंस, ठीक है। बिल नंबर 2 यहाँ पे आ गया। कितने दिन में पैसा देगा करण आपको? 10 दिन डाल दीजिए, ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको दे देगा, ठीक है। फिलहाल हम तो अभी 2 तारीख को ही पैसे ले लेंगे, क्योंकि 10 तारीख तो हम इस टैली प्राइम में डाल नहीं सकते, क्योंकि एजुकेशन मोड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 तारीख को ही अभी आज की डेट में पैसा ले लेंगे इससे, ठीक है। अब क्या करिए कि सिंपली अब आप जो करण का लेजर चेक करिए कि आपको करण से पैसे कितने लेने हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल एन अगर बटन दबाते हैं और अगर यहाँ पर लिखेंगे ना करण इस तरीके से एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है। करण का क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पे, देखिए कितना, 32,000 रुपये, ठीक है। तो करण से आपको 32,000 रुपये लेने हैं, और यहाँ देखो DR में आ रहा है आपका, ठीक है। अगर CR आ रहा होता तो क्या होता, आपको करण को इतने पैसे देने होते, ठीक है ना। तो सिंपली कंट्रोल एन से मैं इसे क्लोज करता हूँ, और आपको सिंपली लेजर में भी दिखा देता हूँ कि कितने पैसे लेने हैं। देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स, और यहाँ पे लेजर, ठीक है। तो मैं यहाँ करण का लेजर ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना क्लोजिंग बैलेंस 32,000 डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि हमने इसे 2 सेल करी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। आ जाइए वाउचर में, पेमेंट किस वाउचर में रिसीव किया जाता है, F6 वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ क्रेडिट के अंदर करण को, ठीक है। करण से कितने लेने हैं हमें पैसे, 32,000 रुपये, लेकिन करण कह रहा है कि आप अभी 30,000 ले लो, 2,000 बाद में ले लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 30,000 दे दो आप मेरे को। तो मैंने यहाँ 30,000 डाल दिया क्रेडिट में। अब यहाँ पे आपको बिल एडजस्ट करने पड़ेंगे कि जो 30,000 करण ने दिए हैं वह किस किस बिल के रिगार्डिंग आपको दिए हैं। तो एडजस्ट पे जाइए, तो 30,000 का तो चलिए देखिए एक ही बिल आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये 30,000 वाला जो पहला वाला बिल है इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, और डेबिट के अंदर मैं कैश में पैसे इससे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास कितना कैश हो गया होगा, 30,000 ये आया, और 10,000 हमारे पास पहले का बचा हुआ था, तो अब हमारे पास 40,000 कैश हो गया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में चाहिए, अकाउंट्स बुक में चाहिए, और कैश बैंक बुक में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 40,000 आपको शो करेगा, ठीक है। और अगर आप कैश का लेजर चेक करेंगे ना इस तरीके से, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सबसे पहले आपके पास कैश कहाँ से आया, कैपिटल से आया 50,000, उसके बाद आपने कैश 40,000 पे गौतम को पे किया, फिर आपके पास 30,000 पे आया करण से, तो अब आपके पास कितने क्लोजिंग बैलेंस बचे हैं, 40,000 पे, ठीक है। तो चलिए अभी हमें गौतम को देने हैं कुछ रुपए, तो हम क्या करते हैं, सिंपली गौतम को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे पेमेंट, वाउचर्स में आ जाइए, F5 बटन प्रेस करिए, गौतम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी भी गौतम का जो 6,000 का क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे गौतम को 6,000 पे इस तरीके से पे कर देता हूँ। तो देखिए अब फिर से आपसे पूछ रहा है एग्जिस्ट रेफरेंस, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे कितना यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है इसका, 6,000, क्योंकि 10,000 हम पहले इस बिल के रिगार्डिंग दे चुके थे, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस बिल को सेलेक्ट करूँगा, और सिंपली इसके जो 6,000 रुपये की पेमेंट है उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, गौतम को जो पेमेंट थी
छः हज़ार की वो कर दी। अब गौतम को ना मैंने कुछ देना है और ना ही गौतम से मैंने कुछ लेना है। कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को? सिंपली डिस्प्ले में जाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले की शॉर्टकट की है, देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे क्रिएट लिखा है, ऑल्टर लिखा है, इसके अंदर देखो सी बड़ा है और ब्लू कलर का है, तो ये सी जो है ना इस क्रिएट की शॉर्टकट की है। यहाँ देखो ऑल्टर लिखा है, तो ये ए जो है ये ऑल्टर की शॉर्टकट की है। एच है ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट की शॉर्टकट की है। अब यहाँ देखो डी लिखा है ब्लू कलर में, तो डी क्या है? डिस्प्ले की शॉर्टकट की। अगर मैं सिंपली डी दबाता हूँ तो देखो डिस्प्ले ओपन हो गया। अगर मैं ए दबाऊँ अब तो क्या ओपन हो जाएगा? अकाउंट बुक। और अगर मैं एल दबाऊँ तो अब क्या हो जाएगा? लेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं गौतम का यहाँ पे लेजर चेक करता हूँ, तो देखो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका गौतम से जो हिसाब किताब है वह पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बिल बाय बिल आपको किस तरीके से हेल्प करता है पेमेंट करने में और पेमेंट रिसीव करने में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जरा सुनिए उसे ध्यान से। देखिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका मालिक आपसे ये पूछ सकता है कि मेरे को मार्केट से कितने पैसे लेने हैं और मेरे को मार्केट में कितने पैसे देने हैं। मार्केट का मतलब ये है कि कितने लोगों को पैसे देने हैं और कितने लोगों से हमें पैसे लेने हैं, तो ये आप कैसे बताएंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्प्ले ऑप्शन देख रहे हैं इस पर जाना है, देन उसके बाद यहाँ देख रहे हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इस पर जाना है, देन इसके बाद देखो आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग्स के नाम से एक मेन्यू। ठीक है, आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ देखिए आपको यहाँ मिलेगा एक रिसीवेबल और एक मिलेगा पेबल। अगर आप रिसीवेबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे उन बंदों की लिस्ट आ जाएगी जिन जिन बंदों से आपको पैसे लेने हैं। जैसे कि देखिए मेरे को एक पार्टी नेम दिख रहा है, करण डेटर, तो मेरे को क्या करना है, इस करण से अभी कितने रुपये लेने हैं? 2000 रुपये लेने हैं। ठीक है, अगर और भी बंदे होते जिनसे मेरे को पैसे लेने होते तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पे आ जाती और यहाँ नीचे उसका टोटल आ जाता। तो ये जो टोटल अमाउंट है यह आप अपने मालिक को बताएंगे कि देखिए हमें इतने रुपए लोगों से लेने हैं। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे क्या लिखा है, ओवर ड्यू बाय डेज़। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे जरा वो समझिए, मतलब कि जब ये हमने बिल काटा था करण का तो हमने इसमें ये डिफाइन किया था कि करण हमें कितने दिन के अंदर पैसा दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो दिन दिखाएगा कि जितने दिन की इसको मोहलत दी गई थी पैसे देने की, अब उस दिन से कितने ज़्यादा दिन हो गए हैं और इसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे कितना शो कर रहा है, अभी मेरी जो आज की डेट है वह 2 अप्रैल शो कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी डेट चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं बाहर आता हूँ और F2 दबाऊँ और यहाँ पर मैं अगर डेट चेंज कर लूँ 1 मई, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरी करंट डेट हो गई 1 मई। अब देखते हैं रिसीवेबल में यहाँ पे आता है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक का ही अभी शो कर रहा है। सिंपली आपको ऑल्ट F2 बटन दबाना है और यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली 1 अप्रैल से मैं यहाँ पे 1 मई डाल देता हूँ। ठीक है, अब एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अब 19, मतलब यहाँ पे 19 दिन ज़्यादा हो गए हैं इसको और इसने पैसे आपको नहीं दिए हैं। ठीक है, अपनी दी हुई डेट पे, जैसे इसने बोला था मैं आपको 10 तारीख को पैसे दे दूंगा, लेकिन इसने 10 तारीख को पैसा नहीं दिया और बल्कि 19 दिन ज़्यादा हो गया फिर भी इसने 2000 अभी नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओवर ड्यू बाय डेज भी यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किन किन पार्टी से आपको कितना पैसा लेना है, वो सब आपको कहाँ शो करेगा, बिल्स रिसीवेबल में, देख रहे हैं ये रिसीवेबल्स में। ठीक है, अगला है यहाँ पे पेबल, देख रहे हैं स्किप करके बैक आएंगे और देन उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पेबल। तो पेबल में क्या होगा, आपको किन को पैसे कितने देने हैं। तो हमें तो यहाँ पे एक भी अभी पैसा नहीं देना है क्योंकि हमें गौतम को जो देना था वो हमने दे दिया, सब अमाउंट क्लियर कर दिया, इस वजह से यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है बिल बाय बिल का वह सही से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप हमारे टेली प्राइम के कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसका कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो में आपको बताया गया है कि आप एडमिशन कैसे लेंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, सो जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अभी के अभी शेयर कर दीजिए और नीचे दिया गया लाइक बटन उसे क्लिक कर दीजिए।
आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को बना पाएँ। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।